हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलार यूट्यूब चैनल को। दोस्तों नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। दोस्तों खबर निकल के आ रहा है बैंकिंग सेक्टर से, जो भी आपके पुराने वाले चेक थे वो चेक अभी से वैलिड नहीं है, और जो भी पुराने वाले आपके ATM कार्ड थे वो भी आपसे वैलिड नहीं है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो कि इस तरह से आपको जो कार्ड मिलते थे एक कार्ड अब से वैलिड नहीं है। 1 जनवरी 2019 से एक कार्ड वैलिड नहीं है। एक कार्ड किसी भी जगह पे स्वाइप पे या फिर ATM से पैसे निकालते वक्त एक काम नहीं करेगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी एक काम को नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको एक कार्ड चेंज करवा के EMV चिप वाले कार्ड लेने पड़ेंगे, जो कि EMV चिप वाले कार्ड कुछ इस तरह से हो गए। यहाँ पे कुछ इस तरह से चिप रही थी। ऑलरेडी बहुत से लोगों के पास एक कार्ड मिल चुके होंगे, तो उनके कार्ड बंद नहीं हो गए, ये चिप वाले कार्ड वैलिड है। बहुत सारे बैंक ऑटोमेटिकली अपने कस्टमर के घर पे ऑलरेडी उन्होंने EMV चिप वाले कार्ड सेंड कर दिए, जो कि मेरे को भी मेरा SBI का EMV चिप वाला कार्ड मेरे घर पे पहुंच गया है। अब बात की जाए चेक की, तो चेक जो पहले चेक थे वो अब 1 जनवरी 2019 से वो वैलिड नहीं है, वो चेक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किए नहीं जाएंगे। अब जो चेक रहेंगे वो रहेंगे CTS वाले। CTS मतलब ट्रांजेक्शन सिस्टम वाले चेक, जो कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के लिए एक बैंक से दूसरी बैंक की तरफ जाके चेक क्लियर होता था, वो वाला सिस्टम अब नहीं रहेगा। जो भी चेक आप दोगे वो उसी बैंक में उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, जो कि दूसरी बैंक में क्लियर होने के लिए नहीं जाएगा, ताकि बैंकिंग में भी ईजी हो जाए और आपको भी आपका अमाउंट एकदम ईजीली आपके अकाउंट पर मिल जाए। इसलिए CTS वाले चेक अभी वैलिड रहेंगे। इसके लिए भी आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करती और OTP पिन आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछती। तो प्लीज़ ऐसे कोई फ्रॉड कॉल आए तो उससे बचे रहिए। और अब बात की जाए EMV चिप क्या है, तो EMV चिप जो कि ये चिप रहेगी, ये चिप पहले वाले जो हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड थे उससे सिक्योर है, उससे ज़्यादा सिक्योर है। जो कि पहले कार्ड हैक किए जा सकते थे या फिर उसका कॉपी किया जा सकता था, अभी जो EMV वाले कार्ड है उसे कॉपी किया नहीं जा सकता, इसलिए ये कार्ड हमारे लिए भी सिक्योर है। तो इस कार्ड को एक्सेप्ट करें, अपने बैंक में जाए, अपने बैंक से एक कार्ड चेंज करवा के लीजिए, वो अपना पुराना कार्ड डीएक्टिवेट करके आपको नया कार्ड प्रोवाइड कर देंगे। एकदम ईजी सिस्टम है, एकदम ईजी मेथड है, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बैंक में जाओगे तो वहाँ से आपको चेंज करके मिल दिया जाएगा, या फिर आपके घर पे ऑलरेडी कार्ड पहुँचा दिया गया होगा तो अच्छी बात है। बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।